गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस तर्शिया बाय इंटरमीडिएट वर्क सेक्शन रांची। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में कोरिया संकट 1950 से 1953, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962, दूसरी दुनिया से क्या समझते हैं, तीसरी दुनिया क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और द्विधुरीयता की क्या चुनौती थी, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विधुरीयता का अंत। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। 1970 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई। समाजवाद पर आधारित बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। इस क्रांति का उद्देश्य समता मूलक समाज की स्थापना करना था, अर्थात यह निजी संपत्ति की संस्था का को समाप्त कर समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज को रचना के लिए किया गया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें किसी दूसरे राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था। इसकी अर्थव्यवस्था नियोजित थी एवं राज्य के नियंत्रण में। इसका सिद्धांत यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा तथा जनता की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। इसी नियंत्रित प्रणाली को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली के गुण क्या है। अमेरिका के बाद उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक विकसित क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोवियत प्रणाली के गुण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के शक्तिशाली के रूप में उभरा। अमेरिका के बाद उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक विकसित थी। सोवियत प्रणाली के कुछ विशेष गुण इस प्रकार से था। पहला है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नति थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पादन शामिल थे। दूसरा, सोवियत संघ एक बड़ा और शक्तिशाली प्रशासनिक संगठन था। तीसरा, सोवियत संघ ने अपने दूर दराज क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली बनाई थी। चौथा है, सोवियत संघ का घरेलू उपभोग उत्पादन काफ़ी उन्नत था। पेन से लेकर कार तक का उत्पादन होता था। पांचवा है, सोवियत सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित कर दिया था। छठा है, सरकार ने बुनियादी आवश्यकता की चीज़ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल एवं लोक कल्याणकारी की चीज़ें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई थी। सातवां है, बेरोजगारी नहीं थी। आठवां है, संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था। भूमि एवं उत्पादन के संसाधनों पर भी राज्य का नियंत्रण था। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली के दोष। पहला है, केंद्रीकृत नौकरशाही प्रणाली के कारण नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। दूसरा है, लोकतंत्र का अभाव और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होने के कारण लोग परेशान हो गए थे। तीसरा है, एक दलीय प्रणाली के कारण साम्यवादी दल कठोर हो गया था और जनता के प्रति उत्तरदायी हो गया था। चौथा है, जनता ने अपनी संस्कृति और अन्य मामलों की व्यवस्था खुद करने के लिए 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन साम्यवादी दल ने जनता की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया। पांचवा है, रूस सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन हर मामलों में रूस का ही प्रभुत्व था। इन कमियों के अलावा सोवियत संघ ने अमेरिका को बराबर की टक्कर भी दी। हालांकि वह प्रायोगिकी, परिवहन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी देशों से पीछे रह गया, उसके अलावा वह अपने नागरिकों की राजनीतिक इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सका। अफगानिस्तान युद्ध के कारण सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गया था।
फिर भी उसने अपने मजदूरों का वेतन लगातार उत्पादन की कमी के कारण उपभोग वस्तुओं की कमी हो गई थी, खाद्यान्न का यातायात बढ़ गया और 1970 का दशक आते आते सोवियत अर्थव्यवस्था में स्थिर हो गया था। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। पहला नंबर में है आर्थिक ठहराव। सोवियत संघ अपने संसाधन का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने एवं सैनिक सामग्री जुटाने में लग रहा था तथा अपने बजट का अधिकांश हिस्सा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों का विकास पर खर्च कर रहा था। इस कारण सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। कई वर्षों तक उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था स्थिर रही, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी तथा सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं से कमजोर होती चली गई। जनता विश्वास एवं उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सोवियत संघ असफल रहा, इस प्रकार वह विघटन की ओर बढ़ने लगा। दूसरा है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ठहराव। जैसे कि सोवियत संघ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थिर हो गया, उसमें कई तरह के भ्रष्टाचार एवं अर्थव्यवस्था आ गई। जिस साम्यवादी दल ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक शासन किया वह अब दल जनता के प्रति गैर जिम्मेदारी हो गया है। साम्यवादी दल केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है जिसमें साम्यवादी दल के उसने परिवर्तन नहीं चाहते थे। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए सोवियत संघ में बड़ी संख्या में नौकरशाही की नियुक्ति की गई थी, ये नौकरशाही भी जनता के प्रति गैर जिम्मेवारी हो गया था। दूसरा है गोवरचेन की सुधार। मिखाइल गोवरचेन ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया और उसे पश्चिमी देशों के विकसित अर्थव्यवस्था की बराबरी तक लाने का प्रयास किया। उन्होंने आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिक तथा अपना जनता के प्रति आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को पूरा करने में यह असफल रहा। उनके उदारवादी नीतियों से जनता और नेता दोनों निराश हो गए, वे जनता को अपने विश्वास में लेने में असफल रहे और जनता सोवियत समस्या से असफल होने की मांग करने लगी। दूसरा है राष्ट्रवाद का उदय और संप्रभुता की इच्छा। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण पूर्वी यूरोप के गणराज्यों में राष्ट्र का उदय और संप्रभुता की इच्छा थी। इन गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी। आर्थिक सुधार के पहले सोवियत संघ में आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। इस असंतोष के कारण ही सोवियत संघ विघटन की ओर बढ़ने लगा। 5 नंबर है मध्य एशिया के पिछड़े गणराज्यों से अलग होने की इच्छा। सोवियत संघ के विघटन का कारण धार्मिक एवं जातीय विभिन्नता एवं आर्थिक पिछड़ापन भी रहा। खासकर पूर्वी यूरोप के देश अपने को मध्य एशिया गणराज्यों से अलग समझते थे, इसमें आपसी दूरियों भी थी। पूर्वी यूरोप के देश पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले थे, पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले, जबकि मध्य एशिया देश के विचारधारा एवं सामाजिक स्थिति भी पिछड़ी होती थी। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण है। पहला नंबर में है विश्व से शीत युद्ध समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया, हथियारों की प्रतियोगिता समाप्त होने लगी, सोवियत संघ में सैनिक गुटबंदी समाप्त हो गया और विश्व में शीत युद्ध का समाप्त हो गया। दूसरा है शक्ति संबंधों में परिवर्तन। सोवियत संघ विघटन के साथ साथ ही विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदलने लगा। शीत युद्ध के अंत के समय सिर्फ 2 भावनाएं थी,
पहली थी महाशक्तियों का दबादब रहा, एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, फिर कई देशों के अलग अलग समूह बनेगा, दूसरा बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहाँ कोई एक शक्ति का प्रभुत्व नहीं होगा। लेकिन विश्व राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें यूएसए विश्व राजनीति में अकेला महाशक्ति बन गया। अमेरिका ताकत, उसकी प्रतिष्ठा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक महाशक्ति बना दिया गया। तीसरा है उदारवादी प्रजातांत्रिक धारा का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद राजनीतिक स्तर पर उदारवादी प्रजातांत्रिक धारणाओं का विकास हुआ जो राजनीतिक जीवन को सुव्यवस्थित करने का सबसे अच्छा माध्यम बन गया। चौथा है नए राज्यों का उदय। सोवियत संघ विघटन के साथ साथ विश्व राजनीति में कई नए राज्यों का उदय हुआ। ये नए राज्य आपसी स्वतंत्रता पहचान बनाने और नई राज्य व्यवस्था बनाने के लिए उत्कृष्ट थे। खासकर पूर्वी यूरोप के पूर्वी साम्यवादी देश पूंजीवादी को अपनाना चाहता था एवं नाटो का सदस्य बनना चाहते थे। दूसरी ओर मध्य एशिया देश रूस के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहते थे। नेक्स्ट है एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता या बहुध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक ध्रुवीयता क्या है, द्विध्रुवीयता या बहुध्रुवीयता के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।